है जो हमारी खुद की लैंग्वेज है. सो आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव माय मदर टंग इज हिंदी एंड यू हैव नेपाली एंड योर सेकंड लैंग्वेज इज हिंदी सो यू नो हिंदी वेरी वेल सो वी आर वेरी मच कनेक्टेड. सो टुडे सेशन, आज का सेशन जो है वो इट्स मच मोर अबाउट, सो इट इज नेम्ड एज विन बिग विद पीपल, यानी टीम्स के ऊपर हम काम करेंगे. यू आर फ्रॉम कॉर्पोरेट आई थिंक, आप सब लोग कॉर्पोरेट से हैं राइट? हम सब लोग कॉर्पोरेट से हैं, बट आज हम कॉर्पोरेट से थोड़ा सा हट के भी बात करने वाले हैं. सो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप टुडे फॉर यू. मे बी आपने पहले भी बहुत सी वर्कशॉप अटेंड की होंगी, आपने यस मार्केटिंग यस सॉरी आपने बहुत सी वर्कशॉप अटेंड की होंगी, आप कॉर्पोरेट में हम वर्कशॉप अटेंड करते रहते हैं, बट आज थोड़ा सा एक डिफरेंट परस्पेक्टिव आपको मिलेगा ह्यूमन नेचर के ऊपर, स्पेशली बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर और इमोशंस के ऊपर, और उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, एंड यू नो हाउ इट कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग. सो आपके पास अगर कुछ लिखने को नहीं है तो आई विल अर्ज यू टू पुट समथिंग विद यू इन राइटिंग, कुछ ना कुछ रख लीजिए अपने पास लिखने के लिए, कुछ ना कुछ रख लीजिए राइट? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है आज की वर्कशॉप में कि आपको कोई चीज ऐसी लगे जो आपको लगे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको नोट करना है और वो आपसे मिस हो जाए, तो मे बी आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू टू राइट समथिंग. और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि जितने लोग वीडियो पे आ सके उतना बेटर, बिकॉज आज हम इंटरेक्टिव वर्कशॉप है, इंटरेक्शन पे बात करेंगे, बिकॉज आज हम सिर्फ कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं कि आपको कैसा करना चाहिए. देर आर नो सजेशंस, नो एडवाइजेस, बट डिस्कशन, परस्पेक्टिव आपसे शेयर होंगे और आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो उतना ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग बात कर पाएंगे. सो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं अपने आपको देता हूँ. मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है. आई वॉज 10 years इन इंडियन आर्मी और उसके बाद मैंने बहुत जगह अपने आप को ह्यूमन नेचर के अंदर काफी एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और 2008 में मैंने अपनी खुद की रिसर्च एकेडमी, उसका नाम है नो योर ट्रू सेल्फ रिसर्च एकेडमी, उसको ओपन किया. और अब पिछले 13 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ. कौन सा फील्ड है? ह्यूमन इनहेरेंट बिहेवियर और इमोशंस, इसके फील्ड में मैं 13 सालों से हूँ. और ये हर वर्कशॉप हर इंसान नया होता है इसके अंदर, बिकॉज हर एक का अपना बिहेवियर है, उसका अपना एक इमोशनल आस्पेक्ट है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, आई एम अ पर्सनल परफॉर्मेंस कोच और इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ कोच पिछले 13 सालों से, और जो मेरा जो फोकस है वो है इमोशनल मेंटल वेलबींग और पर्सनल परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट, यानी कि आपका जो पर्सनल परफॉर्मेंस है वो कैसे बढ़ाया जाए, वो कहीं भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, फैमिलीज में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हाउ वी कैन इंक्रीज दैट. एंड सेकेंडली इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस, जिसका बहुत नाम सुन रहे होंगे आजकल आफ्टर कोविड. कोविड के बाद तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि लोग मेंटल और इमोशनल वेलनेस का नाम जानते हैं, सुनना चाहते हैं. सो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है विन बिग विद पीपल, यानी आप जब जीतते हो तो आप लोगों के साथ कैसे बड़ा जीते. दैट इज अ कॉर्पोरेट वर्ड कॉल्ड पीपल, विनिंग विद पीपल. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर एक कॉर्पोरेट चाहती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, हर एक कॉर्पोरेट चाहती है प्रॉफिट्स लेना, हर एक कंपनी चाहती है कि उसका नाम हो मार्केट में, लेकिन वो किसके थ्रू होता है, वो किसके थ्रू होगा? एक कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो किसके थ्रू आता है? मशीनों के, प्रोसेस के, या पीपल के? तो आप अपना अनम्यूट करके मुझे जवाब दे सकते हैं, प्लीज इंटरेक्ट. किससे आता है? मशीनों से, प्रोसेस से, या लोगों से? क्या प्लीज फ्रॉम पीपल? क्या विकास, आप बोल रहे हैं विकास जी? और इंसान
एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, पीपल एम्प्लॉयज एंड देयर कस्टमर्स, यस एंड देयर बॉसेस, एंड यू नो हम चारों तरफ जो है लोगों से घिरे हुए। आप ऑफिस में आते हैं तो लोगों से घिरे हुए, आपके बॉस है, आपके सबॉर्डिनेट है, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आप घर जाते हैं तो घर लोगों से घिरे हुए हैं, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप बाहर घूमने जाते हैं तो लोगों से घिरे हुए हैं, हर जगह लोग ही लोग हैं, राइट। और हर बार हर जगह हम उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, और कोई भी चीज आप खरीदते बेचते हो तो मशीनों को नहीं बेचते हो आप, बेसिकली आप लोगों को ही बेचते हो, लोगों से ही खरीदते हो, तो हर तरफ इंसान ही इंसान है। इसीलिए अगर आप कंपनी को बड़ा बनना है, बड़ा ऊपर जाना है, तो उनको लोगों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी अपनी टीम्स होंगी, राइट। आप में से कुछ लोग होंगे जो खुद लीड कर रहे हैं टीम्स को, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 50 लोगों को आप लीड कर रहे हैं। जब आप लीड करते हैं लोगों से तो भी आप लोगों से डील कर रहे हैं, आप लीडर हो, लेकिन लीडर से पहले क्या हो, इंसान। आप इंप्लॉय हो, उससे पहले क्या हो, इंसान। आप एक आदमी एक औरत हो, उससे पहले क्या हो, इंसान। तो सबसे पहले वी आर व्हाट वी आर इज वी आर ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। नाउ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम यू नो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर नॉट एम्प्लॉयज एंड समथिंग समथिंग। लेकिन इसमें एक रॉकेट साइंस जो हमें समझ में आनी चाहिए, बहुत ऑब्वियस है, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम लोग इमोशनल बीइंग्स हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं सबसे पहले, और हम ये मानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो सबसे पहले हम इमोशनल बीइंग्स हैं। नाउ अगर आप लोग एग्री करते हैं मेरे साथ, तो आप में से कोई है जो मुझे प्रूव करके दिखा सकता है कि हम लोग इमोशनल बीइंग हैं? आइए बात करते हैं, हम लोग इमोशनल बीइंग्स हैं, प्रूव करें। यस, है कोई जो प्रूव करेंगे? यस अंबिका, अब मैं आवाज नहीं आ रही अंबिका। नहीं नहीं सुनाई दे रहा आपकी आवाज, नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं आ रही। और कोई है जो बताना चाहेगा? अंबिका आपका देखो माइक काम नहीं कर रहा शायद, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस 2 घंटे का पूरा फायदा लीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। हम लोग इमोशनल बीइंग्स हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे? ओके प्लीज, इस क्वेश्चन के बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ आगे समझ में आने वाला है। प्लीज शेयर। हाँ हाँ बोलिए। ओके, कोई काम करने से पहले सर उसमें उत्साहजनक भावना होना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग कोई काम कर सकते हैं। ओके, वो इमोशनल जैसा चाहना हो, इच्छा होना पड़ता है, इच्छा होना पड़ता है, भावनाओं भावना आने पड़ती। बहुत अच्छा लोकेश, अच्छा किया आपने बताया। और कोई है जो शेयर करेगा? यस सॉरी सर, अंबिका। हाँ आई थिंक वी कैन। हाँ बोलिए बोलिए। Yeah, we get angry, we get happy, everything is related with the emotions, so that we are emotional beings. You're right. हम गुस्सा भी आता है, हमें हम खुश भी होते हैं, हंसते भी हैं, you know, हम सब कुछ करते हैं और emotions होते हैं हमारे अंदर, इसलिए emotion भी है। लेकिन इसको प्रूव करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इंसान में से इमोशंस निकाल दीजिए, क्या बच जाएगा? मशीन, प्रतीक्षा सेट मशीन, राइट। है ना प्रूव करने का अच्छा तरीका, कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि हम इमोशनल बीइंग है, तो आप उल्टा प्रूव कर दीजिए। आप इंसान एक मशीन में इंसान अगर इमोशन डाल देंगे तो वो इंसान बन जाते हैं, एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली, बट अगर आप इंसान में से इमोशन निकाल देंगे तो वो मशीन बन जाएगा, और मशीन
थिंक नहीं करते, मशीन सॉरी फील नहीं करते। सो हम लोग इतने इंपॉर्टेंट है हमारा इमोशनल बीइंग, और इसलिए आज का जो चैप्टर है ना उसका जो पार्ट है वो है लोगों के साथ कैसे बड़ा जीते, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि हम लोग इमोशनल बीइंग्स हैं। ऐसे कितनी कितनी वर्कशॉप होती हैं, कितनी सेमिनार्स होती हैं जहां पर हम लोग जाते हैं, वहां पर यू नो बहुत से लोग बैठे बैठे यही सूत्र में क्यों बैठा हूं, इतनी वर्कशॉप अटेंड कर ली पिछले 2 सालों में, वो कितना हिंदी में वर्ड है पक जाते हैं, यानी ये क्या करें, इतनी वर्कशॉप अटेंड कर ली बैठ के उनको ये समझ नहीं आता कि यू नो व्हाई वी आर सिटिंग हियर, वो भी एक इमोशन है। इस समय आपके साथ जो चल रहा है, इस समय जो आपके साथ चल रहा, हो सकता है कुछ लोग गुस्सा हो, कुछ लोग खुश हो, कुछ लोग सैड हो, कुछ लोग हैप्पी हो, ये सब क्या है, ये इमोशंस। और कुछ लोग कंपनी की तरफ से भेजे गए, ऑफ कोर्स आपको बैठना ही पड़ेगा बिकॉज आपको यहाँ वर्कशॉप में आना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये इमोशंस है। आज उसी पे बात करेंगे कि आप जब कंपनीज में काम करते हैं, जब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो क्या इस चीज पर फोकस डाला जाता है, और अगर हम नहीं डाल पाते तो क्या होता है, अगर हम डालते हैं तो क्या होता है, राइट। सो जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा और हमें बात करने में भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज इंटरेक्ट एज मच एज यू कैन, और इस प्लेटफॉर्म का ना फायदा उठा लीजिए। जैसे जिन लोगों को बोलने से डर लगता है, आप में से कुछ है जो बोलने से डर लगता है, सच से बताइए, यार किसी के अनुभव बोलूंगा पता नहीं कैसा बोलूं, क्या क्या रिएक्शन आएगा लोगों का, पता नहीं कैसे आएगा। और लोग तो वीडियो भी इसलिए नहीं खोलते हैं कि कहीं मेरे से पूछ जाए तो, क्योंकि जितने वीडियो खुले हुए उनके नाम, उनके फॉर एग्जाम्पल प्रतीक्षा है, अंबिका है, अंबिका है, लोकेश है, ये सारे नाम मेरे सामने, हिमराज है, भोला है, ये नाम मेरे सामने, तो मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग नहीं है वीडियो पे उनके नाम लेना जरा डिफिकल्ट होता, तो बहुत से लोग वीडियो पे आते ही नहीं है, लेकिन इसका फायदा उठाइए। आज आपको मौका मिला है कि अपनी झिझक हटाइए और इस पूरे इंटरेक्शन का फायदा लीजिए। यही तो होता है वर्कशॉप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा। अगर आपने बैठे बैठे सिर्फ सुन लिया और सुन के आप घर चले गए, देन आपने 2 घंटे वेस्ट कर दिए। इट इज बेटर कि अभी हॉल सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं, इससे चपचे देख लो। लेकिन अगर आप यहां पर हो और हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा फायदा लीजिए। रजनी, दुर्योधन, आप मधुपति, यस थैंक यू फॉर कमिंग ऑन वीडियो। जितने लोग वीडियो पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट, बिकॉज आज का काफी इंटरेक्शन वाला बेटर है। और आप जितने क्वेश्चन अगर आपके कोई दिमाग में है ना, जरूर पूछिएगा, बिकॉज आज हो सकता है कुछ ऐसा आपको मिल जाए जो आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, मैं बीच में प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा फिर बंद कर दूंगा, तो सुधर मैं आपसे बात कर पाऊँ, जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि आखिर ये लोगों के साथ जीतना होता क्या है और इमोशनल मेंटल वेलबींग कैसे काम करती। सो एक बार मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये है स्लाइड, दिख रही है आपको सबको, स्लाइड है yes, स्लाइड दिख रही, ओके, वंडरफुल। सो इट इज विनिंग बिग विद पीपल, सो दिस इज विनिंग विद नर्चरिंग द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि जो हमारा जो कॉर्पोरेशन होता है उसके 2 साइड होते हैं, एक है बिजनेस साइड और एक है ह्यूमन साइड। बिजनेस साइड का मतलब है आप कैसे काम करते हो, कितने प्रोडक्टिव हो, कितने घंटे काम करते हो, कितना प्रॉफिट लेके आते हो, कितनी आपके अंदर एक्सीलेंस है, ये सब है बिजनेस साइड। ह्यूमन साइड क्या है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऑफ कोर्स हम जहाँ काम करते हैं वहां भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो वो जो ह्यूमन साइड है आज उसको छेड़ेंगे, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है, लेकिन हम उसको जितनी सिंप्लीफाई कर सके उतना सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट दिस, हमारे पास जो टाइम है उसमें मैक्सिमम उसका बेनिफिट लेते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे बड़ी एसेट किसी कंपनी की, जैसे हमने बात की किसी कंपनी की, वो इंडस्ट्रियल एज, यानी कि 1980 से पहले जो एज थी, जहां पर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करते थे, जहां पर फैक्ट्रीज हुआ करती थी। आपके पेरेंट्स या याद होगा, या कोई आप इस एज में है तो आपको याद होगा, फैक्ट्रीज हुआ करती थी, वहां लोग जाते थे और एक एक कंपनी में पूरी पूरी जिंदगी निकाल देते थे, राइट, पूरी लाइफ एक कंपनी में निकाल देते थे।
उस टाइम पर कंपनी का जो एसेट हुआ करता था वो था मशीनरी, प्लांट्स और प्रोसेसेस। यानी आपकी मशीनरी आपका एसेट है, प्लांट आपका वो एसेट है, और जो प्रोसेस बनाए हुए आपने वो एसेट है। लेकिन अब की एज जो है, ये वाली जो एज है 21st century की एज, इसको बोलते हैं नॉलेज वर्कर एज। ये इंडस्ट्रियल एज नहीं, इट इज कॉल्ड नॉलेज वर्कर एज। यानी कि यहाँ पर नॉलेज से काम होता है, यहाँ पर आपका माइंड आप चलाते हो और जितने अच्छे आइडियाज लेके आते हो, जितना अच्छा आप कर पाते हो, उतना आप बेटर तरीके से आप अपना मैनेज कर पाओगे। जैसे आज की डेट में देख लो, आप में से ज्यादातर लोग अपने घरों से बात कर रहे हैं या ऑफिस में है, थोड़ी ना ज्यादातर लोग ऑफिस में है या घर से, मतलब घर से ऑपरेट कर रहे हैं? सर हाफली है, ऑफिस से भी है, घर से भी कर रहे हैं सर। अच्छा, ऑफिस से भी, घर से भी। हाँ जी। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने बहुत सारा घर से भी काम किया, फिर भी कंपनियां चली, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन हो रहा था। तो नॉलेज वर्कर एज जो है ना, उसके अंदर एक ही एसेट है और वो है पीपल, पीपल, पीपल। लोग ही हैं जो सबसे बड़ी एसेट है किसी की भी, किसी भी कंपनी की। ये चीज हमें समझना चाहिए कि टाइम चेंज हो गया है। सो इसलिए ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन करना, उनके उनको ठीक तरह रखना, उनको मोटिवेट करना, ये सबसे बड़ा काम होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी एसेट। अब ये सबसे बड़ी एसेट तो हमें समझ में आ गई लोग हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज, कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है हाउ टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी। आप सोच के देखिए, कोई शेयर करना मेरे साथ, किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कंसर्न है, वो ये है कि अपनी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं जिससे प्रॉफिट बढ़े। इज दैट राइट? कि कोई और भी कंसर्न है इसके अलावा? कुछ है? इफेक्टिवनेस कैसे बढ़े, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और प्रॉफिट कैसे बढ़े, ये कंपनी का 3 मुख्य उद्देश्य है। सो अगर आप एग्री करते हो तो मुझे बताओ, डिसएग्री करते हो तो मुझे बताओ। सो एग्रीड, ऐसे कर लेते, एग्रीड है तो ऐसे कर लेते, राइट? 3, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं और प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं, ये 3 सबसे बड़े कंसर्न होते हैं किसी भी कंपनी के, आपके भी यही होंगे। लेकिन इसका चैलेंज क्या है, ये बढ़ाना किससे है? कम्स फ्रॉम द बिगेस्ट एसेट, पीपल। ये आ कहां से रहे? लोगों से। और ये सबसे बड़ा चैलेंज। आपको पता है किसी भी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा टाइम कहां निकलता है? यहां पर कोई एचआर हेड है क्या? So I'm just stopping this and want to know, कोई एचआर से है यहां पर? Anybody from HR? Shristi, can we have you on video if you are okay? अगर आप वीडियो पे आप आएंगे क्या? Yes, Shristi, you are from HR. So, yeah. So आपसे बात करते हैं। So सबसे ज्यादा टाइम किसी कंपनी का ना लोगों की प्रॉब्लम सुनने में, उसको सॉल्यूशन देने में और उनको मोटिवेट करने में निकलता है। इज दैट राइट? यस। राइट, सही तरीके के लोग रिक्रूट किए जाए और वो जो लोग रिक्रूट किए जाए उनको सही तरीके से मोटिवेट किया जाए, वो सही तरीके से काम करें, और उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, आपस में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बॉस से कुछ प्रॉब्लम होती है, कंपनी से कुछ प्रॉब्लम्स होती है। इज दैट राइट सृष्टि? यस यस। तो 80% तक, सो एक बुक ये बोलती है 80% तक किसी कंपनी का जो हुआ है ना टाइम, वो इन्हीं चीजों में निकलता है। अब आप सोचिए, आपका एक बंदा काम कर रहा है, आप अचानक वो छोड़ के चला जाता है, अचानक आपको पता चलता है कि उसने तो छोड़ दिया। अब आपको क्या करते हो आप सोचते हो यार अब क्या करें, इसको तो इतना ट्रेन किया था, इसको इतना कुछ करा था, छोड़ के चला गया, अब इसकी जगह कोई और लेके आओ, उसका फिर इंटरव्यू लो, फिर उसको बिठाओ, तो एक और प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, लोगों में आपस में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत होता है, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, ये सब कुछ, ये आपस की चीजें। सोचिए, मैं सृष्टि से पूछता हूँ, सृष्टि अगर ये लोगों की दिक्कतें ना हो तो आसान हो जाएगा ना कॉर्पोरेशन का काम, क्या कहते हो? अगर आपकी कंपनी में सारे लोगों को रोबोट से चेंज कर दिया जाए जो आपकी सारी बात मानते हैं, ना कोई छुट्टी लेते हैं, ना उनके सिर में दर्द होता है, ना कोई प्रॉब्लम होती है, दे वर्क अकॉर्डिंग टू यू, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम? नॉट टोटली, नॉट टोटली।
राइट, बट काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी वो मानने लगे तो। लेकिन क्यों ऐसा नहीं करती, सोचो अगर सब काम रोबोट्स कर सकते हैं तो क्यों ऐसा है कि कंपनियां रोबोट्स से काम नहीं करवा सकती? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली, सोच के देखो। बट पीपल आर मोर क्रिएटिव देन द मैनमेड मशीन्स। यस यू आर राइट, मशीन्स वहां तक काम करती हैं जहां तक उनको बताया जाता है। सो आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, ध्यान रखिएगा अपनी अपनी जॉब का, ध्यान रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, वो डोर पे ही है, यानी अगले 3 सालों के अंदर वो आपके आसपास होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इंसान की तरह सोचने वाली मशीनें, इंसान की तरह सोचने वाली मशीन। लेकिन वहां भी ये कहा गया है, तो ये आपको नया मैं एक बोल दे रहा हूं कि वो जॉब्स जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शंस में है उसको छोड़कर बाकी सारी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। अब आप ध्यान दीजिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन के बिना बिजनेसेस नहीं होंगे। एक इंसान, जैसे मान लो दो इंसान बैठ के बात कर रहे हैं, डीलिंग उनके बीच में हो रही है, मशीनें डील नहीं कर सकती आपस में, उनका तो एक एल्गोरिथम होगा उसके मुताबिक वो काम कर लेंगे, लेकिन डीलिंग नहीं हो पाती है, राइट? इसीलिए वो चीजें नहीं जाएंगी फिर भी। लेकिन फिर भी हम लोग ज्यादातर इंसान जो है ना कंपनीज में भी इसी प्रॉब्लम में रहता है कि एसेट, और ये मैंने क्यों शेयर किया आपसे, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी कहां से आ रही है, सबसे बड़ी एसेट यहां से, इफेक्टिवनेस कम फ्रॉम एसेट। अब देखिए ये है मेन चैलेंज, अब ये है फैक्ट, अब एक फैक्ट शेयर कर रहा हूं आपसे, वो ये, एंड द फैक्ट इज ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट टू डायमेंशनल, दो डायमेंशनल नहीं होते ह्यूमन बीइंग्स। दो का मतलब क्या है? माइंड बॉडी, टू डायमेंशनल, आपका दिमाग है आपका शरीर है, ये दो डायमेंशनल हो गए। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट टू डायमेंशनल, क्योंकि अगर ये दो डायमेंशन होते हैं ना तो आपकी बॉडी तो यहाँ काम कर रही है, माइंड से माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप काम कर सकते हो, बाकी दो और चीजें। सेम वे ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट टू डायमेंशनल, ना तो इंसान टू डायमेंशनल है ना ऑर्गेनाइजेशन टू डायमेंशनल है, हम लोग क्या है? 4 डायमेंशनल। प्रॉब्लम यहां है और इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम यहां लगता है, और ये चीजें आज की डेट में और इंपॉर्टेंट हो गई। अब वो 4 डायमेंशन क्या है वो आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी, जैसे हमने बॉडी बोला हमारी बॉडी है, ऐसे ही कंपनी की बॉडी क्या है? कंपनी की बॉडी है प्रोडक्ट, सर्विसेज, रिजल्ट्स, ये उसकी बॉडी कंपनी जो दिखती है, हाँ भाई उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, सर्विसेज बिक रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहे हैं, ये है बॉडी, कंपनी की बॉडी। कंपनी का माइंड क्या है? प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, ये है कंपनी का माइंड। माइंड और बॉडी जो हम बात करते हैं, 2 डायमेंशनल की, माइंड और बॉडी, ये है कंपनी का माइंड। लेकिन इसके आगे जो 3rd और 4th मैं आपको बताने वाला हूं वो है हिडन, ये तो दिखते हैं बाकी है हिडन। तीसरा जो पॉइंट है वो है हार्ट, कंपनी का हार्ट क्या है? कल्चर, बिलीफ सिस्टम, उसका DNA, यानी किस तरह से कंपनी ऑपरेट हो रही है, कैसा माहौल है, किस तरह की पॉलिसीज है, वैल्यूज क्या है कंपनी की, सोचते क्या है कंपनी के ओनर्स, ये सारे उसका हार्ट है, कंपनी का हार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे बढ़ाने के। और चौथा सोल, कंपनी की भी सोल होती है, सोल क्या है? विजन, मिशन, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। हर एक कंपनी का विजन होता है, मुझे यहां जाना है, उसका एक मिशन होता है जिसपे वो बल्कि आगे बढ़ते हैं, पर्पस होता है, कंपनी किस वैल्यू पे चलती है वो होता है, ये उसकी सोल है। और वो सोल कहां से आती है? उसके ओनर से, जो ट्रांसफर होती है नीचे तक। जैसे अगर आप इंडिया में देखिए तो टाटा का नाम आपने सुना है, सबने सुना होगा टाटा का, राइट? अंबानी का नाम सुना है, ये कंपनियां कब से चली आ रही है और इनके इनके जो सोल है और हार्ट है ना वो ही इस कंपनी को चलाते हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक बार और रोकता हूँ और आपको एक चीज शेयर करता हूं जो आपको भी शायद आइडिया होगा। कल्चर का मतलब क्या है किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी का कल्चर का क्या मतलब होता है? कुछ आइडिया कोई दे सकता है? कोई भी ट्राई कीजिए।
कोशिश की। यस लोकेश, कल्चर का मतलब सर काम करने का सिस्टम, डिसिप्लिन, कारोबार का तरीका। कल्चर में तो सर बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। राइट लोकेश, बिल्कुल, काम करने का तरीका, उसका वहां पर लोग कैसे हैं, किस तरह से प्रोसेस है। और कोई बता पाएगा कल्चर का क्या मतलब? लोकेश आपने ठीक कहा बिल्कुल, और कोई बता पाए, फायदा उठाइए, शेयर कीजिए। कल्चर, जैसे हमारा कल्चर होता है, इंसान को भी तो कल्चर होता है ना, हमारा भी तो कल्चर है। आपका जैसे हमारा हिंदूज का कल्चर है, नेपालीज में भी हिंदूज का कल्चर है, अपने अपने नेपाली कल्चर है, किसी का यू नो क्रिश्चियन कल्चर है, किसी का मुस्लिम कल्चर है। सबका अपना अपना एक कल्चर होता है, एक उसका एक पीछे से चली आ रही एक प्रथा है। ऐसी कंपनी का एक कल्चर है, उसका एक एक सिस्टम है काम करने का, जैसे लोकेश ने बताया, वो है कल्चर। राइट, ये जो कल्चर है ना, ये उसकी सोल है। उस कंपनी में किस तरीके से काम होता है, क्या वैल्यूज है उसकी, ये उसकी सोल है, ये उसकी आत्मा है। तो ये आत्मा भी बहुत जरूरी है, दिखती नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चौथा पार्ट क्या हो गया? आत्मा। सो अब फोर डायमेंशनल होगी कंपनी, देखिए, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। अगर इसमें आपको सिर्फ बॉडी और माइंड दिखाई देती है और हार्ट एंड सोल नहीं दिखता है, तो एक्चुअली वो है दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर हार्ट एंड सोल नहीं होगा कंपनी खत्म हो जाएगी, इट विल विनिश वैनिश। यस, गैलेक्सी M3, आपका नाम नहीं आ रहा है, आपने हाथ उठाया, प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं या गलती से उठ गया? आप जिनके अंदर नाम चेंज करने को बोला ना वीरू निंडा ने, आप भी देखिए अगर आपके नाम में कुछ गैलेक्सी ओप्पो आ रहा है ना, तो थोड़ा चेंज कर लीजिए उसको, क्यों नाम बोलने में आसानी रहेगी। नो, ये देखिए कंपनी का है चार पार्ट। अब मैं उसका, ये संजय कुमार, ये संजय, ये संजय कुमार आपने हाथ उठाया, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हाथ डाउन हो गया, ठीक है। सो ये है कंपनी। अब इंडिविजुअल देख लीजिए, इंडिविजुअल में बॉडी क्या है? हेल्थ, एंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन, ये बॉडी है तो दिख रही है, राइट, ये बॉडी। माइंड क्या है? थिंकिंग, प्लानिंग, रीजनिंग, ये माइंड है, जिसे आप सोचते हो, प्लान करते हो, रीजन बनाते हो। ये दो चीजें दिखती हैं, लेकिन ये दो चीजों के अलावा बाकी दो क्या है? देखिए, हार्ट, हार्ट इज इमोशंस, बिलीफ सिस्टम्स, फीलिंग्स, ये है हमारा हार्ट, राइट, हमारा हार्ट है। और हमारी सोल क्या है? पर्पस, मीनिंग, हमें लाइफ में जाना कहाँ है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये है मीनिंग। सो अब दोनों चीजें देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन भी चार डायमेंशनल है, इंसान भी चार डायमेंशनल है, और इसके साथ जो चैलेंज है ना, वो ये स्टनिंग, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है, अगर आपने इसमें से एक भी पार्ट मिस कर दिया इंसान का, यानी आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके इन चारों पार्ट में से किसी एक भी पार्ट को आपने नेगलेक्ट कर दिया या उसको अवॉइड कर दिया, तो आप उसे बना दोगे थिंग। अब आप समझने में क्या कहना चाह रहे हो? अगर आपने ये चारों पार्ट्स का देखभाल नहीं की किसी इंसान की, इसमें से एक भी पार्ट नेगलेक्ट हुआ तो क्या बन जाएगा? थिंग। थिंग का मतलब चीज बन जाएगा, इंसान नहीं रहेगा, चीज बन जाएगा। और थिंग के साथ हमें क्या करना पड़ता है, ये देखिए, हमें कंट्रोल करना पड़ता है उसको, हमें उसको मैनेज करना पड़ता है, हमें उसको कैरेट एंड स्टिक। सो कैरेट एंड स्टिक क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? किसी को आइडिया है कैरेट एंड स्टिक क्या होता है? कोई भी, एनीबॉडी? कॉर्पोरेट में बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक, पहले बोलते थे, क्या होता है कैरेट एंड स्टिक, कुछ आइडिया है अनुजा? Yes, carrot and stick is that if they do something good, you give them a reward. And then if they do something which is not according to the organization rule, you punish them. So they are either working for a reward or for punishment. Absolutely right. Absolutely. Yeah. Bang on. ये जो carrot and stick है ना, ये बहुत ही पुराना reward and punishment, right? प्रतीक्षा. So ये बहुत पुराना system है carrot and stick. आपने उनको दिखाया कि हम ना, अगर आप ये काम करोगे तो हम आपको ये देंगे,
अगर आप ये काम करोगे तो हम आपको ये देंगे, और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको इस तरह से पनिशमेंट दी जाएगी, दैट इज कैरेटिनस्टिक। बट टू टेल यू द ट्रूथ, आज की डेट में कैरेटिन स्टिक्स नहीं चलती है। डू यू नो दैट? और क्यों नहीं चलती है उसके पीछे भी रीजन। पहले क्या था, लोगों को डर था मेरी जॉब ही सब कुछ है, अगर ये चली गई तो क्या होगा, कंपनी से निकल गया तो क्या होगा, बाहर क्या होगा मेरा। आज की डेट में ऑप्शंस लोगों के पास बढ़ गए हैं, आज की डेट में लोगों के पास, कंपनी को भी आपको उतनी ही जरूरत है जितनी आपको जरूरत है, और इसीलिए आज की डेट में इस पर बहुत ध्यान रखा जाता है कि लोगों को सिर्फ कैरेट और स्टिक से आप ना करें, लेकिन अगर आप चीज बना दोगे उनको तो ये करना पड़ेगा, और ये हमेशा से काम नहीं करता है और अब भी नहीं कर रहा है। सो अगर आपने ह्यूमन का एक भी पार्ट मिस किया तो आपने उसको चीज बना दिया, और जो वस्तु होती है उसके क्या करते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक करना पड़ता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, वो अपने आप काम नहीं करते। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ कोट्स आपसे शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा। पहली चीज, सम रिवॉल्यूशन अबाउट टीम्स और विनिंग विद पीपल की, देखिए इस कोट को पढ़ते हैं, द बेस्ट टीम डजंट ऑलवेज विन, इट्स यूजली द टीम दैट गेट्स अलोंग बेस्ट। ओके, इसको पढ़ लीजिए एक बार आप अच्छी तरह से, फिर मैं आपसे इसका मतलब पूछने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार और पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। आप में से कोई इसको पढ़ लीजिए अपने लोगों के लिए, कैन समबडी रीड इट फॉर अस प्लीज। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? द बेस्ट टीम डज नॉट ऑलवेज विन, इट्स यूजुअली द टीम दैट गेट्स अलोंग बेस्ट। थैंक यू जॉन मैक्सवेल। क्या मतलब हो सकता है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हो सकता है, सोचिए। कोई आइडिया? ओके, सो लेट्स टेक इट लाइक दिस। आपके पास कितनी ही अच्छी टीम क्यों ना हो, अगर वो आपस में मिलके काम नहीं कर सकते तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आपके पास जीनियस है, जीनियस लोग हैं। यस, वी नीड टीम वर्क। यस गोविंदा, आप बोल रहे थे कुछ, टीम वर्क, यू आर राइट। अगर वो टीम मिलके काम नहीं कर पा रही है तो वो प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी। चाहे वो कितने ही अच्छे वो क्यों ना हो, कितने ही अच्छे आप इंडिविजुअल कितने अच्छे क्यों ना हो, जब वो टीम मिलके काम करती है तो अगर वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाए, तो यानी जो टीम आपस में मिलके काम कर सके वही बेस्ट होगी, उसमें चाहे एवरेज लोग भी होंगे ना वो भी अच्छा काम करेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट कि बेस्ट टीम काम करती है, इट्स जो लोग साथ में मिलके अच्छी तरह चल पाते हैं वो अच्छी तरह काम कर पाते हैं। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सॉफ्ट साइड है। If these two so-called soft skills, trust and integrity are removed from a highly calibrated and technically strong team, what is left is a highly chaotic and self-destructive organization. हिंदी में बताया था, ये जो trust है यानी विश्वास, और integrity यानी कि क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, तो बताएगा integrity हिंदी में क्या बोलेंगे? आत्मसम्मान। हाँ, काफी हद तक, बट इंटेग्रिटी हो गया आपका, जो आप बोलते हो वही आप वही कर रहे हो, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही कह रहा हूँ, मेरी बातों और उसमें फर्क नहीं है। इंटेग्रिटी, ये जो ट्रस्ट और इंटेग्रिटी है, ये अगर आपकी टीम में नहीं है, वो चाहे कितने भी हाईली स्किल्ड या टेक्निकली स्ट्रांग क्यों नहीं है, तो आपके पास एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टीम बच जाती है। यानी ये दो चीजें होनी है आपकी टीम में निहायत जरूरी है, चाहे वो टीम एवरेज क्यों ना हो। और देखिए, और इंपॉर्टेंट, टीम लीडर्स के लिए, जो जिनकी टीम्स हैं उनके लिए, वो उनको अपनी टीम से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस जान पाए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाए, राइट। लेकिन अगर वो टीम लीडर खुद से ही कनेक्टेड नहीं है तो वो अपनी टीम से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। समटाइम्स द लीडर आर नॉट कनेक्टेड विद देमसेल्फ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे पाते। लास्ट कोट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये देखिए,
सो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हुआ, किसी भी टीम का प्रॉफिट का, इफेक्टिवनेस का, कल्चर का, द होल पर्सन अप्रोच टू अंडरस्टैंड एंड नर्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनकी होल पर्सन अप्रोच लेनी पड़ेगी, रादर देन उनको सिर्फ एम्प्लॉय समझना, उनको एक नंबर समझना, या उनको सिर्फ एक काम करने वाला बंदा समझने से ज्यादा आपको एक होल पर्सन अप्रोच लेना पड़ेगा. नाउ कैन समबडी टेल मी होल पर्सन अप्रोच क्या होता है जी? जस्ट शेयर योर आइडिया. होल पर्सन अप्रोच हेलो विश होल पर्सन का सर मतलब जैसा कि हम लोग कोई भी फैक्ट्री या कंपनी में काम करते हैं तो सब बहुत पोस्ट का वहाँ पर सर लोग काम करता है, नीचे से लग के ऊपर तक उसको सबको उस चीज का जानकारी होना चाहिए, अधिकार रूप होता है उसे होल पर्सन के लिए. ओके लोकेश बोलते होल पर्सन का मतलब है उन सबको जानकारी होनी चाहिए. और कोई बता पाएगा होल पर्सन अप्रोच का मतलब क्या है? जैसा भी है शेयर कीजिए प्लीज, यहाँ कोई गलत सही नहीं हो रहा है, या तो हम डिस्कस कर रहे हैं. इंडिविजुअल विजन अबाउट देमसेल्फ, इंडिविजुअल विजन अपने बारे में. ठीक कहा डॉक्टर कविंद, राइट? सो आपने डॉक्टर कविंद लिखा हुआ, राइट? और कोई बोल सकता है होल पर्सन अप्रोच? एनीबडी कुछ भी बोलिए बोलिए. एनीथिंग होल पर्सन अप्रोच? सो आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम. होल पर्सन का मतलब है एक इंसान को पूरी तरह से लेना. अभी हम जो बात कर रहे हैं, लोकेश ने बात की और प्रतीक्षा ने बात की, या सॉरी डॉक्टर कविंद्र ने बात की, थिंकिंग अबाउट द होल टीम, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट बिजनेस टीम्स. होल पर्सन का मतलब है होल पर्सन, यानी यस इमोशनल फिजिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ उसका अपना. यानी आप एक सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, आप किसी के बेटे भी हो, किसी की बेटी भी हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी की वाइफ हो, किसी के पापा हो, किसी की मम्मी हो, किसी की सास हो, सास नहीं हो सकती, बहू हो, सास भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, बहू हो, कुछ भी हो सकता है. ये सारे जो रोल है ना, ये आपके हैं. आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, जो कंपनी में आया वो एम्प्लॉय है. अभी हम क्या सोच रहे हैं, टीम. टीम तो किससे बनी है? लोगों से. आपका घर है आपका, आप कंपनी में काम करने के बाद जाते हो ना कहीं पर, कि आपको अगर पूछा जाए आप कौन है तो आप बोलोगे मैं तो एम्प्लॉय हूं बस, और कुछ नहीं. यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, दैट्स व्हाट यू डू. आप कभी भी वो नहीं होते जो आप करते हो. अब मैं अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगा मैं तो कोच हूं, मैं पर्सनल परफॉर्मेंस कोच. नाउ दिस इज व्हाट आई डू, जो मैं करता हूं. मैं हूं कौन? आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ फादर, आई एम अ सन, आई एम अ हस्बैंड. मेरे ये सारे रोल है. तो होल पर्सन अप्रोच का क्या मतलब है, उस पूरे रोल्स को लेना साथ में, ना कि सिर्फ एम्प्लॉय या टीम को लेना. अब मुझे बताइए, जो शादीशुदा है ना वो ध्यान दीजिएगा, राइट? और जो शादीशुदा नहीं है उनका फ्यूचर है. अगर आपका घर से मूड खराब होके आया है तो प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा कि नहीं, ये बताइए. If you know about work and personal life balance, then there will be the more much improved. Okay. So how many of us can balance our personal and professional life right now? सच्चा बताइए. I can. कितने लोग personal और professional life को इस तरह balance कर पाते हैं कि दोनों का effect ही ना पड़े किसी पे? It's next to impossible. हमें लगता है हम कर सकते हैं, करते नहीं है. सोचिए आप office में गए और आपको सुबह सुबह आपके बॉस ने चार सुनाई कि आपने कल जो किया था वो सब गलत था, आज आपकी रिपोर्ट गलत है, आपकी जॉब जाने वाली है. अब आप शाम तक वहां काम कर रहे हैं और घर पहुंच रहे हैं, अब बताइए कितने खुश होंगे आप? अपने हस्बैंड या वाइफ से कितने आराम से बात कर पाएंगे? आपका दिमाग पता क्या घूम रहा होगा, अरे यार जॉब चलेगी तो क्या होगा, दूसरी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, सारा टाइम आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा वहां. इसीलिए ना होल पर्सन अप्रोच में, होल पर्सन अप्रोच में आप अलग अलग नहीं कर पाते हो. हमें लगता है हम अलग कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हो. टू टेल यू द ट्रूथ, अलग नहीं कर सकते आप. दिस इज वन. इसीलिए आप ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन घर ले जाते हो,
और घर का फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में ले आते हो। कोई बटन थोड़ी लगा हुआ है हमारी, मैं ऑफिस पहुंचा बटन ऑफ। अब मान लो बीच में फोन आ गया, फिर 12 बजे फोन आ गया घर से कि जी आपने बिजली का बिल जमा नहीं कराया, वो बिजली काट गए। अब आपका दिन कैसे जाने वाला, सोच लो। बच्चे की फीस नहीं बोली, स्कूल से फोन आ गया कि जी बच्चे की फीस जमा नहीं कराई, राइट टाइम भूल गए थे आप, पेनल्टी के साथ आज ही जमा कराओ, तो काम कर लोगे क्या आप? या आप घर पहुंचे और आपने बोला मेरे बहुत आज पूरा दिन में बहुत बहुत परेशान रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और वाइफ ने बोला आपके तो हर रोज यही काम रहता है आपका, आप ये बताओ आप वो जो बोला था वो लेके आए हो कि नहीं, और आप बोलते नहीं लाया, तो आपको लगता है कि आपके घर में शांति रहने वाली है? ये जो है ना बैलेंस, ये बैलेंस नहीं बनता है वर्क लाइफ बैलेंस अंटिल आप होल पर्सन अप्रोच नहीं लोगे। इसीलिए होल पर्सन अप्रोच का मतलब है इंसान को पूरी तरह से देखना। जितने सेमिनार्स होते हैं यहां पर आके आपको वर्कशॉप में बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, काम कीजिए, ये टू डू लिस्ट बनाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन अगर आप मेंटली परेशान है, इमोशनली परेशान है, आपको कोई भी चीज काम नहीं करती, करती भी नहीं है। एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ 14 years, 15 years, आई वर्क विद लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे लोगों के साथ पर्सनल कोचिंग की है ओनर्स के साथ, और ये समझ में आया कि वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है होल पर्सन अप्रोच की। इसीलिए हमें होल पर्सन अप्रोच लेनी है, अगर आपने टीम के साथ काम करना है तो आपको होल पर्सन अप्रोच लेनी ही पड़ेगी, राइट? सो अब देखिए इस होल पर्सन अप्रोच की शुरुआत कहां से होती है, यहां से। ये एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप इसको समझ पाए तो आपका वर्कशॉप करना आना सफल हो जाएगा। अब देखिए इफेक्टिव विनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहां से स्टार्ट करते हैं। जो इफेक्टिव विनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां से आ रही है, इफेक्टिव विनिंग टीम्स से। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसमें छोटे टीम्स होती है, वो अगर जीत रही है तो ऑर्गेनाइजेशन जीत रही है, वो अगर हार रही है तो ऑर्गेनाइजेशन हार। इफेक्टिव विनिंग टीम कहां से आ रही है, इफेक्टिव फोकस्ड हैप्पी टीममेट्स। इफेक्टिव टीम कैसे बनती है, अगर वहां के लोग इफेक्टिव है, फोकस्ड है, खुश है उस टीम के मेंबर, तभी तो इफेक्टिव टीम बनेगी, तो कैसे बनेगी? और ये कहां से आ रहे हैं, अब ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इफेक्टिव फोकस्ड हैप्पी टीममेट्स कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हैप्पी पैशनेट इंडिविजुअल्स। दोबारा से बता रहा हूं आपको, हैप्पी विनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैप्पी विनिंग टीम से आ रही हैं, इफेक्टिव फोकस्ड हैप्पी टीममेट्स से आ रहे हैं, और वो कहां से आ रहे हैं, अगर आप इसको ऐसे देख लेते, अगर आप एक हैप्पी पैशनेट इंसान हो, खुश पैशनेट इंसान हो, तो आप एक हैप्पी फोकस्ड टीममेट बनते हो, और वो टीममेट बनते हो, और वो एक हैप्पी इफेक्टिव टीम बनती है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जीतती है। अब ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक इफेक्टिव विनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां से आ रही है, इफेक्टिव पैशनेट इंडिविजुअल्स। ये कनेक्शन अगर समझ में आ गया आपको, तो बाकी सारा वर्कशॉप जो है ना आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, अपनी लाइफ में आप पैशनेट नहीं हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको खुशी मिलती है, आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट नहीं बनोगे, आप उसकी लायबिलिटी बन जाओगे। इसीलिए आपका अपना पर्सनल गोल होना बहुत जरूरी है। कंपनी तो बाद में आती है, कंपनी तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले आप आते हो। नाउ इसीलिए हमारा फोकस क्या है, जड़ पे। जड़ क्या है, हैप्पी। अगर मैं एक हैप्पी बंदा हूं, पैशनेट बंदा हूं, एक सेटिस्फाइड बंदा हूं, तो मैं एक अच्छी एक कंपनी में जाऊंगा तो मैं उसको भी हैप्पीनेस दूंगा, प्रोडक्शन दूंगा, काम दूंगा, एक अच्छी टीम मेंबर बनूंगा और कंपनी को आगे लेके जाऊंगा। लेकिन अगर मैं दुखी हूं, मैं कंप्लेन करता हूं, मैं ब्लेम करता हूं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि मैं पकड़ के रख सकूं, तो मैं जिस भी कंपनी में जाऊंगा ना, वहां एक भार बन जाऊंगा, मेरे मैनेजर बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्यों, मैं उस पर और जाके वो ब्लेमिंग करूंगा, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स करूंगा, कंपनी के अंदर काम नहीं करूंगा, प्रोडक्टिविटी नहीं लाऊंगा, और मैं उस टीम का कभी पार्ट नहीं बन पाऊंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन खींच लूंगा नीचे। इसलिए मेरा अपने ऊपर काम करना जरूरी है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स फाइंड आउट दिस, हैप्पी पैशनेट इंडिविजुअल्स, एंड इंडिविजुअल्स आर हु, ह्यूमन बींग्स हैं।
और ह्यूमन बींग्स कौन है? इमोशनल बींग्स है. सो इमोशनल वेलनेस और मेंटल वेलनेस को आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको कंपनी में काम करना है, जॉब को बचा के रखना है, कंपनी के लिए एसेट बनना है, तो आपको अपने पर्सनल इमोशनल वेलनेस को ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर ये नहीं किया आपने तो आप कभी भी किसी अच्छी टीम का पार्ट नहीं बन पाएंगे. सो घूम फिर के बात कहां आ गई? हमारे घूम फिर के बात कहां आ गई? अपने ऊपर, राइट. सो हियर इट इज, यहां बंद करता हूं. घूम फिर के बात कहां आ रही है? अगर मैं अपने साथ खुश नहीं हूं, मैं अपने साथ सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अपने साथ पीस में नहीं हूं, मैं अपने साथ ठीक अपने खुद को लीड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कंपनी के लिए लायबिलिटी हूं, एसेट नहीं हूं. एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस तो सबको पता होगा. हाँ जी, क्या डिफरेंस होता है एक बताएगा? बड़ा सिंपल सवाल है. एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस क्या है? कोई भी आइए. Yes, who is coming? Lokesh, आप? Yes, sir. Asset or liability? Asset, sir. किसी संपत्ति होता है. Liability तो कारोबार उसे होता है. दोबारा बोलिए लोकेश, दोबारा बोलिए. हेलो सर, दोबारा बोलिए. दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे थे? Asset स्थिर संपत्ति से होता है सर. संपत्ति है, राइट. संपत्ति है असली संपत्ति, और लायबिलिटीज है हमारी देनदारी, राइट. देनदारी हमारी जो संपत्ति होती है वो है हमारे, जैसे पैसा है, जमीन जायदाद है, ये हमारी संपत्ति होती है. और लायबिलिटीज होती है हमारे लोन्स हैं, ये लोन्स होती है ये फिजिकल वर्ल्ड में. एक्चुअली में हमारी बैलेंस शीट कैसी है वो देख लेते हैं आज. सो आज आप सब लोग तैयार हो जाइए. लेट्स फाइंड आउट योर बैलेंस शीट. कौन सी बैलेंस शीट? इमोशनल बैलेंस शीट देखते हैं कैसी है हमारी, और फिर देखते हैं हम कहां पर खड़े. लेट्स फाइंड इट आउट. इंटरेस्टिंग है बहुत, मिस मत कीजिएगा इस चीज. आइए देखें इसको बाद में देखते हैं, यहां देखते हैं. ये देखिए पर्सनल बैलेंस शीट, सबसे पहली चीज. सबसे पहले बात करते हैं लाइबिलिटीज की. हमारी लाइबिलिटीज क्या है, इमोशनल लाइबिलिटीज क्या है उसको देख लेते हैं. सबसे पहली चीज है लिमिटिंग बिलीफ. ये सबसे बड़ी लायबिलिटी है. हम छोटा सोच पाते हैं, लिमिटेड सोच पाते हैं, हम बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं, हम ऑप्शंस नहीं देख पा रहे हैं, हम आइडियाज नहीं लेके आ पा रहे हैं, हम बहुत लिमिटेड हैं. लिमिटिंग बिलीफ्स हैं. ऐसा होता था तो ऐसा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये आइडिया तो मैं दे ही नहीं सकता. ये सारी चीज जो आ रही है लिमिटिंग बिलीफ है. ये बिलीफ्स कहाँ से आते हैं? बचपन से हमारे अंदर घुस जाते हैं, और अगर हम उन्हें अगर हम चेंज नहीं करेंगे जानबूझ के तो कभी चेंज नहीं. लिमिटिंग बिलीफ है. जैसे एक लिमिटिंग बिलीफ है, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो एक बहुत नीचे लेवल से ज्वाइन किया, उसका लिमिटिंग बिलीफ है ऊपर जाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती, आम इंसान नहीं जा पाता. ये लिमिटिंग बिलीफ है. पैसा कमाने के लिए ना मैं तो कभी कमा ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे तो घर में सपोर्ट ही नहीं है. लिमिटिंग बिलीफ है. ये जो लिमिटिंग बिलीफ होते हैं ये आपको रोक देते हैं, तो ये बहुत बड़ी लायबिलिटी है. तो आप देखिए कहीं आपके अंदर कोई लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है ऐसा कि यार मेरे को लैंग्वेज नहीं आती है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं दिखने में ठीक नहीं हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी हाइट छोटी है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे वेट ज्यादा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता. ये सब लिमिटिंग बिलीफ है. ये कहीं आपके अंदर है तो लायबिलिटी है. सेकेंड देखिए, फोकस ऑन सेल्फ वीकनेस. हम जब नॉर्मली करते हैं ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की लिस्ट बनाइए, तो आपको हैरानी होगी जब लोगों को बोलते हैं अपनी वीकनेस की लिस्ट बनाइए तो इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है. जब बोलते हैं स्ट्रेंथ की बनाइए तो वो सोचने लग जाते हैं मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंथ भी है क्या. मतलब इट्स स्ट्रेंज. आप भी सोच के देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की लिस्ट बनाइए तो कौन सी लिस्ट लंबी होगी? आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस में से कौन सी लिस्ट लंबी होगी? शेयर कीजिए. वीकनेस. वीकनेस. और कोई?
लोकेश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा और कोई प्लीज आइए। स्ट्रेंथ और वीकनेस से कौन सी लंबी होती है? स्ट्रेंथ। वंडरफुल, बोलने बड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर कोविंद, लेकिन होती वीकनेस की है, क्योंकि स्ट्रेंथ बंदा कहता है यार मेरे में स्ट्रेंथ ढूंढनी मुश्किल पड़ जाती है, मेरे में स्ट्रेंथ है क्या? क्योंकि आपको ज्यादातर लोग आपको सुमी को भैया बताइए, ज्यादातर लोग आपको प्रेस करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं? प्रेस करते हैं मेरे को, आई हैव वेरी फ्यू क्रिटिसिज्म। सी क्या होता है कि जो भी स्ट्रेंथ होता है उसकी वजह से हम लोग एक सर्टेन कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वीकनेसेस डेवलप होते हैं। तो इसीलिए उस चीज को बैलेंस करके ले जाना पड़ता है कि लाइक कोई भी प्रेस करे तो आप अपने आप को बहुत ऊपर मत ले जाए, बिकॉज यू हैव टू नो द ग्राउंड रियलिटी कि आप काम कैसे करना है, आपके अंडर के आदमी को कैसे काम करवाना है। ओके, लाइक जो कॉलीग होते हैं, सॉरी मैंने रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया, आपके अंडर के आदमी जो कॉलीग होते हैं आपके साथ काम करते, कैसे काम लेना है, कैसे करवाना है, वही टीम वर्क में सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो जो होता है कभी कभार क्या होता है कि आपके पास स्ट्रेंथ होता है, like you have good confidence, good gut power, you can speak nice, लेकिन उसी की वजह से आप problem में फंस जाते हो तो वो भी आपकी weakness बन जाते हैं। So वो कहाँ पे क्या बोलना है, like there should be a gap before taking a decision, at least आप एक मिनट का 20 सेकंड का माइंड में गैप ले लो कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ गलत, तो आपको उसमें पता चल जाता है अच्छा ये करूंगा तो ठीक है, ये करूंगा तो गलत है, तो ओवरऑल मिल जाता है। ये नहीं है कि वीकनेस ही नहीं होता है, देयर विल बी द वीकनेस, वी आर नॉट परफेक्ट, उसके लिए तो लॉर्ड कृष्णा बन के जन्म लेना पड़ेगा अगर आपके पास वीकनेस नहीं है तो। इसीलिए मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो इसलिए किया, जनरली सो देयर आर फ्यू पीपल हु जनरली, आपको अगर चाहो तो देखो मीडिया से, घर से, ऑफिस से, लोगों से, लोगों को क्रिटिसिज्म ज्यादा मिल रही है या प्रेज ज्यादा मिल रही है, नेगेटिव ज्यादा मिल रहा है या पॉजिटिव ज्यादा मिल रहा है, सोचिए। ज्यादातर हमारे पास नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव सेल्स, और हम जब किसी की प्रेस करते हैं ना उसके लिए भी ताकत चाहिए, आप अगर किसी को प्रेस करते हैं उसके लिए भी आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए, बिकॉज किसी को प्रेस करना बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। आपको लगता है किसी को प्रेस करने का मतलब मैं अपने आप को डाउन कर रहा हूं, या उसको लगता है मेरी बटरिंग कर रहा है। सो प्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अगर आपका फोकस, जैसे भी डॉक्टर कोविंद ने भी बोला, फोकस अगर वीकनेस पे चला जाए तो लायबिलिटी बन जाती है, फोकस वीकनेस पे चल जाए तो लायबिलिटी बन जाती है, दिस इज सेकंड लायबिलिटी। थर्ड देखिए, ब्लेमिंग एटीट्यूड, अगर मुझसे कोई काम गलत हुआ तो उसका ब्लेम तो किसी ना किसी पे डालना है, क्योंकि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैंने गलत किया तो फिर मेरे अंदर याद आएगा यार मैं गलती करता हूं, मैंने इसलिए गलत किया क्योंकि तुमने गलत किया। अब एक सेल्स डिपार्टमेंट है वो कह जी मेरे हमको जो प्रोडक्ट बेचा ना वही खराब है तो मैं क्या बेच के आऊंगा, और एक सेल्स वाला बाहर जाके उसका गारंटी देके आ गया जिसको पीछे मार्केटिंग वाले को पता ही नहीं है, तो वो बोलता है कि आपने गारंटी देके आया हम कैसे, कंपनी गारंटी कैसे ले लेगी। सो ब्लेमिंग एटीट्यूड ऑन ईच अदर, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लायबिलिटी। अगर आपके अंदर कहीं भी ब्लेमिंग एटीट्यूड है तो लायबिलिटी में काउंट कीजिएगा। विक्टिमाइजेशन, ये क्या होता है? विक्टिमाइजेशन का मतलब है बेचारा मैं, मतलब मेरे तो परिवार वाले, मेरे तो माँ बाप ही बड़े गरीब थे तो मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ था तो मैं आगे तो बढ़ नहीं सकता, या मेरे पे सब लोग क्यों वो करते हैं, मैं इतना सीधा साधा इंसान हूं मुझे पे क्यों ब्लेम डाला जाता है, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूं। विक्टिम का मतलब है अपने आप को बेचारगी में डालना। अगर ये कहीं है तो ये भी बहुत बड़ा एक एटीट्यूड है। बैक बाइटिंग का मतलब क्या है? उस बंदे की क्रिटिसाइज उसके पीछे करना जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो। कॉर्पोरेट में बहुत होता है, यू नो दैट, आपके बारे में कोई और कुछ बोल रहा है और कोई किसी के बारे में कुछ और बोल रहा है, ये बैक बैटिंग, ये भी एक लायबिलिटी है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को क्रिटिसाइज करना, मैं ठीक नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं मोटा, मैं पतला, ये सब कुछ। जेलसी, किसी को बढ़ते हुए देखना और आपको लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अगर ये फीलिंग आती है तो जेलसी होती है। हियरिंग नॉट लिसनिंग, लिसन और हियरिंग के अंदर फर्क क्या होता है पता है आपको? जब आप हियर करते हो तो सुनते हो, जब लिसन करते हो तो एक्चुअली में सुनते हो। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं? हियरिंग, लिसनिंग नहीं करते, ये बहुत बड़ा एटीट्यूड है। शॉर्ट साइटेडनेस, ज्यादा दूर नहीं देख पाते। एजम्पशन, एज्यूम कर लिया, आपको देखा मैंने एज्यूम कर लिया आप ऐसे सोच रहे होगे मेरे बारे में, बहुत बड़ी वीकनेस है। लायबिलिटी, डिसऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच नहीं है। अगर इस लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए, इस लिस्ट में से अगर कुछ चीजें आपके अंदर हैं वो एक लायबिलिटी का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब हम चलते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी एसेट्स। तो लास्ट ये भी है,
नॉट वर्किंग आउट अकॉर्डिंग टू नेचुरल एबिलिटीज, ये बहुत बड़ा लाइबिलिटी है। मेरी नेचुरल एबिलिटी है मैं लोगों से बात अच्छी तरह कर पाता हूँ, आई एम ए पीपल पर्सन, लेकिन गलती से मैंने कंप्यूटर्स ले लिया, आईटी ले लिया और अब मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूं, लोग नहीं है मेरे सामने, तो क्या मैं नेचुरल एबिलिटी से प्ले कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। सो क्या आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज पे, यानी जो आपकी नेचुरल है उसके ऊपर काम कर रहे हो क्या? अगर नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, आगे जाके तंग करेगा। सो ये लाइबिलिटी की लिस्ट है, इसमें देख लीजिए मेरे अंदर क्या क्या है, तो आपकी लाइबिलिटी की प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अब आइए एसेट, एम्पथी। एम्पथी क्या होता है? दूसरे के बारे में आप सोच पाते हो कैसा सोच रहा होगा, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो उसको कैसा लगेगा, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। अगर ये फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है तो आपके अंदर एम्पथी है, मींस इट्स अ बिग एसेट। नोट करते रहिए, अगर ये आपके अंदर है तो आपके अंदर बहुत बड़ी एसेट है। हाई सेल्फ इमेज, अपने बारे में आपकी इमेज हाई है, आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे सिर झुकाना पड़े, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसके लिए मुझे डांट खानी पड़े, मैंने कोई ऐसा झूठ नहीं बोला है जिसके लिए मुझे सच छुपाना पड़े। सेल्फ एस्टीम हाई है। अगर ये है एसेट टालिए। आइडेंटिफाई योर लाइकिंग पैटर्न, किस तरह के लोगों को आप लाइक करते हो, ये भी आपके एसेट है। अगला देखिए, एबिलिटी टू आस्क। अगर आप कहीं फंस जाते हो तो क्या आप पूछ लेते हो लोगों से, पूछ पाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि पूछो तो लोग कहेंगे पता नहीं इसको आता नहीं, और आप भूल गए जगह। आजकल तो खैर आपको गूगल भूल नहीं देता, लेकिन पहले जब गूगल नहीं था, आप गाड़ी चला रहे हो, आप इसलिए नहीं पूछते कि लोग कहेंगे अच्छा इसको रास्ता मालूम नहीं है, और आप चलते जा रहे हो उल्टी लगा गलत जगह पे। सो एबिलिटी टू आस्क, जहां भी फंसते हो क्या आप अपने कलीग से, अपने मैनेजर से पूछ पाते हो कि मेरे को यहाँ पर थोड़ा हेल्प चाहिए, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? एबिलिटी टू आस्क। एबिलिटी टू सेट गोल एंड स्टे ऑन द कोर्स, यानी कि आपने लाइफ की गोल सेट किए और उस पर लगातार चल रहे हो, क्या ये एबिलिटी है आपके अंदर? क्योंकि लाइफ के गोल तो बहुत लोग बनाते हैं, चलते नहीं है उसके ऊपर, हम चल नहीं पाते हैं उसके ऊपर, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहती है, क्या ये है आपके अंदर? अगर है तो बहुत बढ़िया सेट। एटीट्यूड कैसा है आप, क्या आप ये देखते हैं कि सारी दुनिया चोर है, क्या आप ये देखते हैं कि सारी दुनिया बेकार है, क्या आप देखते हैं लोग बुरे हैं, नेगेटिव ज्यादा है? अगर आप ये देख रहे हैं तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर आप ये देखते हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं जो रियली में खराब है, अगर आप देखते हैं कुछ गलत हो रहा है तो आप ये कहते हैं ये मेरी तरफ से गलत हो रहा है, या ये बोलते हैं कि हो सकता है ये शायद गलत हो, मेरा सजेशन ऐसा है, क्या आप ये दे पाते हैं किसी, क्या आप सजेस्ट ओपनली और ऑनेस्टली कर पाते हैं? एबिलिटी टू सजेस्ट, क्या आप पढ़ पाते हैं? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ पाने का मतलब पढ़ना नहीं है, आप बुक्स रीड करते हैं क्या? आपकी पसंदीदा बुक्स कौन सी है? पिछले महीने आपसे कौन सी बुक पढ़ी? अभी कौन सी बुक चल रही है आप? क्या पिछले 6 महीनों में आपने कोई बुक पढ़ी? पिछले 2 साल में क्या आपने कोई बुक पढ़ी? अगर आपने पिछले 6 महीने में भी कोई बुक नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब राइट टाइम है, आप पढ़ना शुरू करें, ये बहुत बड़ी एसेट है। पढ़ने से क्या होता है, लोग कहते हैं बुक पढ़ने से क्या होता है, आपको आज एक गुरु मंत्र दे देता हूं जो मुझे किसी से मिला था। बुक एक ऐसी चीज है जो 250 पन्ने में उसके राइटर की कंप्लीट जीवनी डाल देता है उसके अंदर, 250 पन्ने, और आप कितने दिन में पढ़ लेते हो? 1 हफ्ते में मैक्सिमम। उसकी पूरी जिंदगी को आपने 1 हफ्ते में पढ़ लिया, उसने क्या गलती की थी, उसने क्या ठीक किया था, कैसा था वो, क्या नहीं था। आपके पास इतना टाइम नहीं है जीने का कि आप एक दूसरी जिंदगी लगा पाओ, उसकी गलतियां दोबारा करो। उस बुक से आपने क्या सीखा, उस बंदे ने क्या गलतियां की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए, उसने क्या ऐसी चीज की थी जो मुझे करनी चाहिए, कितनी देर में, 1 हफ्ते के अंदर। इस तरह से बुक्स हेल्प करती। बुक्स पढ़ने की आदत अगर आपकी है बहुत बड़ी एसेट है, नहीं है तो लायबिलिटी है, बिकॉज बुक्स
इसको बोला जाता है लीडर्स आर रीडर्स, रीडर्स आर लीडर्स, बुक हमें पढ़नी ही चाहिए, राइट। फार साइटेडनेस जैसे था, शॉर्ट साइटेडनेस लाइब्रेरी था, फार साइट दूर देख पाते, आप दूर देख पाते हो, फार साइटेडनेस। एबिलिटी टू प्लान द डे, क्या आप डे को प्लान कर पाते हो अपने, क्या आपके पास टू डू लिस्ट है आपके डे की, क्या जब सुबह ऑफिस में आए तो आपको पता था कि मुझे क्या करना है आज, क्या कल शाम को ही बैठ के आपने वो लिस्ट बना ली थी? यस डॉक्टर कपिल, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, लाइक जो एबिलिटी टू रीड अ बुक का जो ऑप्शंस है वहाँ पे जो एसेट में आपने रखा है, सो नाउअडेज लाइक वी हैव मेनी डिजिटल एडवांसमेंट अब मिल गई है, जैसे बुक का लाइक 1 आवर 2 आवर और 13 आवर्स का बुक का पूरा एक वही आ जाता है यूट्यूब पर और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, तो आई फील मोर कंफर्टेबल टू लिसनिंग दैट, कि जैसे आज मैंने हाफ एन आवर सुना, कल हाफ एन आवर सुनता हूँ, नेक्स्ट डे हाफ एन आवर, तो ओके आई गॉट द दिस इज ये बुक में ये है ये है ये वो एक मिल जाता है, क्योंकि बुक पढ़ने में जितना टाइम कंज्यूम होता है उससे कम टाइम में मैं सुन के ओवरऑल 2-3 आवर्स में वो खत्म कर लेता हूँ, तो विच विल बी बेटर। ये मेरा जस्ट एक क्वेरी था, ऑडियो बुक की बात कर रहा हूँ मैं जी, तो जस्ट ये मेरा क्वेरी था क्योंकि मेरी हैबिट वो है। मैं आपको इसका एक सजेशन दे देता हूँ, मेरा भी खुद का भी हैबिट है, मेरे पास ना तीनों ऑप्शंस होते हैं, यानी ई बुक भी होती है, ऑडियो भी होती है और फिजिकल बुक भी होती है, उसका रीजन बताता हूँ। ऑडियो बुक को जब आप सुनते हो ना, तो आपका ज्यादातर टाइम जब आप ट्रैवलिंग में हो या कहीं जा रहे हो या कहीं बैठ के सुन रहे हो, आप ऑडियो बुक में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है बुक मार्क, यानी आपको कोई चीज पसंद आई उसको हाईलाइट नहीं कर सकते, आप बीच में बुक मार्क डाल सकते हो, लिखना पड़ता है, रोकना पड़ता है आप उसको, तो बहुत वो भी कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है। मान लीजिए मैंने बुक पढ़ी, अचानक मुझे ध्यान आया ये बुक मैंने उस पेज पे पढ़ा था, आप ऑडियो बुक में ढूंढ नहीं पाओगे ये मुझे कहाँ मिला, तो क्या होता है कई बार बुक में से सुन तो लिया आपने लेकिन उसका उसका जो रेफरेंस है ना वो नहीं मिल पाता आपको दोबारा, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगा। तो मैंने क्या किया, ऑडियो बुक्स को मैंने रखा सेकेंडरी, मैंने पहले फिजिकल बुक ली थी फिर ई बुक ली थी। ई बुक का भी दिक्कत ये है, ई बुक के अंदर आप पन्ने नहीं पढ़ सकते, आपको एक एक करके जाना पड़ता है, आप ढूंढ नहीं सकते उसके। जो फिजिकल बुक है ना, मैंने सब कुछ करके देख लिया डॉक्टर कविंद्र, मैं वापस आ गया फिजिकल बुक, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने पहले फिजिकल बुक लेता था, उसके बाद मैंने सारी बुक्स किंडल पे डाल ली, उसके बाद मैंने ऑडियो बुक लेनी शुरू कर दी, लेकिन फिर मैं दोबारा उस पर आ गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास तीनों फॉर्मेट रहते हैं एक बुक के, तो जैसे ऑडियो बुक्स का आपको पता ही है, ऑडियोबल्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 199 का सब्सक्रिप्शन है, हर महीने एक बुक मिलती है आपको, एक बुक मिलती है, हाँ, राइट, फ्री मिलती है, वो कितने पैसे की हो। तो मैं क्या करता हूँ, उस जो बुक वो मैंने वहां से ली है ना, उसी को मैं परचेज कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, जो मैंने बुक पढ़ी उसके बाद मुझे लगा यार बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ और उसमें फिर जो एक्चुअल लर्निंग है ना डॉक्टर कपिल, वो मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो उस बुक से ही आ रही है जो आपको फिजिकल रखी, बाकी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रही है, लर्निंग नहीं दे रही। सो दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें आप बुक मार्क नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, वापस ही पहुंच पाते, अचानक आपके दिमाग में कोई चीज आई बैठे बैठे, तो आप क्या करोगे, पहले ऑन करूं मैं फोन, ऑन करूं उसके अंदर ऑडिबल पे जाऊं, फिर बुक के अंदर जाऊं, फिर ढूंढूं, ऐसे हो जाए। लेकिन कैरी करने में आसान होती है, सब कुछ है, लेकिन फिजिकल बुक्स आर, सो फिजिकल बुक कहीं नहीं जाने वाली, दे विल स्टे, वो रहेंगी वहां से। अगर आपके, लेकिन जो आपके ऑडिबल की हैबिट है डॉक्टर कविंद, आई एनकरेज अदर पीपल ऑल्सो, आपका जो ट्रेवलिंग टाइम है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, घर से आते हो, ये इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए ऑडियो बुक्स, उससे बेटर यूटिलाइजेशन नहीं है। तो उससे आई थिंक एक चीज और, सॉरी इंटरप्ट किया, जैसे ऑडियो बुक से एक चीज क्या इम्प्रूव हो जाता है कि आप लिसनिंग हैबिट, एक्टिव जो एक्टिव लिसनिंग जो प्रॉपरली हम बोलते हैं, कि लाइक वो क्या फील कर रहा है, वो कैरेक्टर क्या बोल रहा है, नो दैट इज सेम थिंग गोइंग ऑन द, आप बुक पढ़ेंगे भी सेम थिंग इट विल गोना हैपन, बट एक लिसनिंग की हैबिट ज्यादा बच जाती है अगर आपको लीड अच्छे से करना। एक आप तभी एक अच्छे से जिक्र आपने छेड़ा था कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को जो बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव उसमें क्या जाता है कि जैसे हमारा जो दिमाग है वो इमेज में थिंक करता है, लाइक महेश शर्मा, मैंने नाम पहले भी सुना है, लेकिन अब महेश शर्मा जब आएगा तो आपका इमेज आ जाएगा,
राइट, तो एक इमेज में काम करता है, तो उसी अनुसार से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो हमारा जो ब्रेन है वो बाय पर्सन जो पर्सन है तो डिफरेंटली एक्ट करता है. जैसे मी एज अ ब्रदर इट एक्ट डिफरेंट, ओके, मी एज अ बॉयफ्रेंड इट एक्ट डिफरेंट, मी एज अ सन इट एक्ट डिफरेंट, मी एज अ ग्रैंड सन इट एक्ट डिफरेंट, मी एज अ एम्प्लॉय इट एक्ट डिफरेंट. तो आप जैसे तभी वो बात का जब आप जिक्र आपने छेड़ा कि जैसे सुबह बॉस ने आपको कुछ बोल दिया और शाम को जाके आप डिस्टर्ब हो गए, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब भी गुस्सा आता है जो आपसे जो एकदम लोअर पे जहाँ पे आप उसको फ्लैश कर सकते हो, आप अपने डैड को जाके तो चाटा नहीं मार सकते, लेकिन भाई है तो आप लगा देंगे कुछ बोलेंगे, तो वहां पे जाके वो दिखता है. तो उस पर एक बैलेंस अगर हम लोग कंट्रोल तो डायरेक्ट 100% तो नहीं कर सकते, बट जो फिर से मैं जो करता हूँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ जो माइंड में रखता हूँ, आई थिंक ये एक वन ऑफ द आपका इंडिया से ही है जो सदगुरु समथिंग, कभी काल उनका मैं वो ऑडियो वो सुन लेता हूँ, तो वहां से मैंने पिक किया था और बहुत हेल्प किया उस चीज ने मेरे को भी. बिफोर डूइंग एनीथिंग जस्ट रियलाइज इन योर माइंड दैट आइदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग. इफ यू आर डूइंग राइट दैट विल बज 100 टाइम्स व्हाटएवर यू वांट, इफ यू आर डूइंग रॉन्ग यू विल बी स्टॉप एट अ टाइम. तो कहीं ना कहीं पे वो चीज आ जाता है, बस यही मेरे को कहना था. सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम. दैट्स वंडरफुल कमिल जी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया. यहां पर सिर्फ एक चीज ऐड करता हूं मैं, वो ये, देयर इट कम्स द टेंपरमेंट. सो टेंपरमेंट क्या होते हैं? टेंपरमेंट इज अवर इनहेरेंट बिहेवियर नेचर, जो हमें माता पिता या अपने दादा दादी से मिलते हैं, जिसको बोलते हैं इनहेरेंट बिहेवियर ट्रेट्स. सो जो भी डॉक्टर कविंद्र ने बोला उसको बहुत से लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि टेम्परामेंट डिफरेंट है. तो समझिएगा इस चीज को, ये बहुत बड़ा रिसर्च का फील्ड है और मैं पिछले 13 साल से रिसर्च कर रहा हूं उसके ऊपर. एक ही चीज सबके लिए लागू नहीं कर पाते. जैसे मैंने बोला ना ऑडियो बुक, आपको लगेगा कोई लोग सोचेगा यार कौन सुनता रहेगा ऑडियो बुक, गाने सुनो इससे अच्छा ऑडियो बुक कौन, इतना बड़ा बोरियत बड़ा, कितने लोगों के लिए इतना बोरियत, नींद आ जाएगी उनको ऑडियो बुक सुन के. डॉक्टर कविंद्र कहेंगे यार कैसे हो सकता है तुम्हें नींद आ गई इतनी अच्छी बुक सुन रहे हो. तो लेकिन क्योंकि टेम्परामेंट डिफरेंट है, दे आर ज्यादा वीडियो ओरिएंटेड, उनको चाहिए सामने बंदा बैठ के मोटिवेट कराओ, यस यू कैन डू इट, यू आग लग रही है स्टेज पे, तब जाके उनको कुछ आता है. और बुक, बुक तो उनकी नींद की गोली है. अगर नींद ना आ रही हो तो बुक पढ़े 15 मिनट में नींद आ जाएगी. आप बिना स्लीपिंग पिल लिए सोने का तरीका है. तो मैनी पीपल यू नो डिफरेंटली काम करते हैं, इसलिए इसका भी नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, अंडरस्टैंड दी सामने वाले का टेम्परामेंट क्या है. Because if I'm a perfectionist and the opposite to me is a popular person, is a different temperament, we will never gel because hamari bhashaen different, in the sense not Nepali Indian, but emotional language different hoti. So it's wonderful, wonderful perspective, Dr. Kavinda. I'm with you on that. And this is true that when you isko bolte hain react nahi kar rahe, respond kar rahe ho aap, bahut sari cheeze solve ho jati hai. Lekin respond, bahut se log respond kar hi nahi pate. वो कहते हैं रिस्पॉन्ड करने का मतलब वीकनेस, मेरे को जैसे कुछ मिला मैंने वापस कर दिया. सो हाउ टू डू दैट, वो भी हम काम करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर कविंद्र फॉर गिविंग योर पर्सपेक्टिव, इट्स रियली ग्रेट. पढ़ने के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, ऑडियो बुक गुड, ई बुक्स गुड, फिजिकल बुक गुड, सब तक गुड है. आप शुरू तो करें, 15 मिनट पढ़ने की शुरुआत करें कहीं से भी. यस कविंद्र, कुछ बोलने चाहते हैं? जैसे अभी आपने टेम्परमेंट का बात, सॉरी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा. जैसे टेम्परमेंट का बात करते हैं, लाइक जेनेटिकली इट हैज केम, इनबिल्ट है, हेरिटी होता है, लेकिन वो होता है. लेकिन क्या इसमें जो हम लोग बचपन से ग्रो होते हैं उसका रोल ज़्यादा होता है कि क्योंकि जब बड़े होते हैं, जैसे आप 4 इयर्स 5 इयर्स, सबसे ज़्यादा लर्निंग उस टाइम में होता है. एज अ ह्यूमन बींग साइंटिफिकली प्रूवन है, मेडिकली भी प्रूवन है, जो आपका 0 से लेके अप टू 12 to 13 ईयर्स होता है, 75% वी हैव लर्न, रिमेनिंग 10% हम बुक से पढ़ते हैं और लाइफ टाइम उसके बाद जो होता है रिमेनिंग 10% हम लोग लर्न कर पाते हैं पूरा लाइफ 100%. तो उस जो ग्रो अप होता है उसमें जैसे वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एवरीथिंग, जो हम देखते हैं आजू बाजू, डैड क्या कर रहे हैं, मॉम कर रहे, अंकल क्या कर रहे, उनकी टेम्परमेंट क्या है. तो आप कभी नाराज हो जाओ तो उसके बाद बोलते हैं इसकी तो जो टेम्परमेंट है, इसका जो गुस्सा है इसके दादा पर गया है. तो उसकी वजह से वो और पूर्ण मतलब उस आदमी में प्रवोक होने लगता है वो चीज. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि डज
देयर शुड बी द न्यू काइंड ऑफ ग्रो इन अपकमिंग जो जनरेशन आ रही है, चाइल्ड आ रही है, क्योंकि अगर उनको उसी वक्त में अच्छे से हम लोग उस चीज पे उसको हम लोग अच्छे से ट्रेन कर दें तो क्या फर्क आ सकती है। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बोलता हूँ और आपको एक चीज ऐसी बताता हूँ जो आपको फर्क दिखा देगी और आप उस पर काम करें, बिकॉज दिस इज वर्क वर्क ऑन है। एक बिल्ली का बच्चा और शेर का बच्चा दोनों शुरू में एक जैसे ही होते, राइट। अब वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको कुछ भी सिखा दो आप, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की बिल्ली ही बनेगा बड़ा होके, और शेर का बच्चा शेर ही बनेगा, क्योंकि जो जो इनहेरेंट टेम्परामेंट है ना वो है बाय बर्थ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो सिखाते हो ऊपर से वो है सीखना। तो आप सोचिए दो बच्चे आपके घर में है, आपको नहीं पता ये शेर का बच्चा है बिल्ली का बच्चा है, आपने दोनों घर में रखा, पाल रहे हो आप उसको, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कौन क्या हो रहा है। बिल्ली का बच्चा म्याऊं करेगा, शेर का बच्चा म्याऊं करेगा क्या? आप कितना ही सिखा लो उसको, आप बोलो सुबह शाम आपके चारों तरफ बिल्ली रहती है फिर भी म्याऊं नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शेर का बच्चा है। और बिल्ली का बच्चा दहाड़ेगा क्या? कभी नहीं दहाड़ेगा, क्योंकि वो बिल्ली का बच्चा है। सो इनहेरेंट टेम्परामेंट्स आर जो आप बाय बर्थ हो, ऊपर से सिखाने वाली जो चीज है वो 30% है, 60-70% इज बाय बर्थ काम करता है। सो डॉक्टर कविंद्र के जवाब में दे सकता हूं, वो यहां पर है नहीं अभी, लेकिन हमारा जो इनहेरेंट बिहेवियर ट्रेट्स होते हैं वो 70% तक हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं, बाकी 30% ऊपर सीखते हैं, ओनली 30%, राइट। ओके, सो हम रीडिंग पे बात कर रहे थे। रीडिंग शुरुआत कीजिए, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आई अर्ज यू, रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग, एंड आई एम टेलिंग यू एक महीने के अंदर जो आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे ना, शायद किसी और चीज से ना। रीड, जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़े, लेकिन रीड, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर थिंग। रोनिना आप है क्या? यस सर। कैन यू गिव मी द टाइमिंग? टाइमिंग लाइक ट्रेनिंग टाइम इज स्टिल 5 PM सर। सो 5 PM ने, सो ऑफ कोर्स सेम। सो आपके यहां पर हो रहा है कितना? 4:44। तो वी हैव 15 मिनट्स, राइट? या सर। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर में चल रहा हूं मैं, और ये इतना लंबा है कि वी कैन सिट एंड टॉक अबाउट इट for long, but you know we have only 15 minutes, so I'm going to share with you something else also. So जैसे हमने बात की, अभी हम asset की बात कर रहे थे, asset में दो चीजें रह गई थी जो मैं आपसे share कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं last type। देखिए ये है asset, so think about it, this is asset। हमने बात की थी ये सारी, और हम यहाँ थे ability to suggest, ability to read पे पढ़ना शुरू किया। अगला देखिए farsightedness होगी, फिर ability to plan the day, to do list, और last ability to laugh। हंसने की आपकी एबिलिटी है क्या, या आप लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेने लग गए हो, हर चीज को आप सीरियस लेते हो, सरकास्टिक हो गए हो, सैड हो गए हो, आपको हंसने के लिए भी शायद किसी मौके की जरूरत पड़ती है, और अगर आपको अपने अगर आपका वीडियोग्राफी ली जाए तो पूरे पूरे दिन में लगता ही नहीं कि आपको भी मुस्कुरा रहे हो। आर यू रियली लाफिंग? क्या आपकी हंसी खत्म हो गई है या हंसी लानी पड़ती है? यू नो, मैं उस टेम्परामेंट से हूं जहां पर हंसी लानी पड़ती है, अब तो नहीं, खैर था। सो डॉक्टर कविंद्र, मैंने टेम्परामेंट के बारे में कुछ बताया था, आप सुन पाए उसको? हाँ, मैं सुन पाया इमीडिएटली है कि यहां से। नॉट एन इशू। तो 70%, सो द रेशियो इज 70-30। 30% इज व्हाट वी लर्न, 70% व्हाट वी बॉर्न विद। So, वो आप जब थोड़ा सा काम करेंगे ना, इसको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं बिल्ली के बच्चे और शेर के बच्चे का एग्जांपल दिया था, दोनों बच्चे देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनका इनहेरेंट बिहेवियर, शेर का इनहेरेंट बिहेवियर दहाड़ना, शिकार करना, वो इनहेरेंट बिहेवियर, उसको कितना ही सिखा लो आप सर्कस में सिखा के बिठा देते हो उसको, लेकिन वो शेर शेर नहीं रहता है, वो शेर कभी भी खुश नहीं रहता है, वो सर्कस वाला शेर कभी खुश नहीं होता है। इसलिए हम लोग जितने भी हैं ना, वो सारे अगर इनहेरेंट टेम्परमेंट से अलग काम कर रहे हैं तो वी आर नेवर हैप्पी, वी शुड बी aligned to our inherent temperament. So it's a big story. Hamari puri workshops hoti hai iske upar, and you know, last 13 years se I'm giving, so 200 se zyada workshop isi ke upar kar chuka hu main, kyunki ye sabse basic, sabse important aspect hai, kyunki yahi difference hai husband wife ke beech mein, yahi difference hai bachchon ke beech mein, aur aapke beech mein yahi difference hai, aapke parents ke beech mein.
अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड द इनहेरेंट टेंपरमेंट, हम नहीं समझ पाएंगे सामने वाला कहां से बोल रहा है। एक बिल्ली नहीं समझ पाएगी शेर दहाड़ क्यों रहा है, यार ये तो मेरे साथ ही रहता था बचपन से, हमारे साथ ही रहता है, अब इसकी इसकी आवाज खराब हो गई क्या। शेर है, शेर का बच्चा है, ऐसे ही शेर नहीं समझ पाता बिल्ली का बच्चा है। सो इट्स इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो आई एनकरेज यू डॉक्टर कविंद्र टू गो डीप इनटू दैट साइड, इवन इफ यू कैन गो टू माय वेबसाइट maheshsharmainsights.com, वहां पर आपको इसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। एबिलिटी टू लाफ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एबिलिटी टू लाफ, हंसने की एबिलिटी खो दी है क्या हमने, कि हम ज्यादा सीरियस हो गए हैं, लाइफ बहुत ज्यादा ले लिया है। अगर ऐसा है तो प्लीज अपने समय, तो मेरे साथ क्या था, मेरा टेम्परमेंट जरा ऐसा है कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, बहुत सीरियस है, तो लाइफ को बड़ा पहले। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक बड़ा अच्छा गिफ्ट लिखा और आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। उन्होंने वो स्माइली आते हैं, आपके इधर भी आते होंगे स्माइली आते हैं ना, स्टिकर्स आते हैं स्माइलिंग के, स्माइली के येलो कलर के स्टिकर्स होते हैं जिसमें स्माइली बना होता है। उन्होंने बहुत सारे स्टिकर लिया छोटे बड़े और मेरी हर जगह पे लगा दिए उन्होंने यार ऑफिस में सब। उनको देखते ही आपको याद आया था कि आई नीड टू स्माइल। सो कीप समथिंग विच रिमाइंड्स यू दैट यू नीड टू स्माइल इन अ डे, दैट इज योर एसेट। सो इनमें से देखिए, अगर आपके पास है तो आपके एसेट्स हैं और आप उसको बढ़ाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। सो दीज आर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, ऑफ कोर्स यू आर इन लॉस। इससे आपकी कंपनी को लॉस क्या हो रहा है, बिकॉज वो आपकी आपकी प्रोडक्टिविटी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहे हैं और आप खुद भी कंपनी को पूरा नहीं दे पा रहे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना इस चीज में, एसेट्स लाइबिलिटी कभी खत्म नहीं होंगी लेकिन मिनिमाइज जरूर हो सकती है। एसेट्स बढ़ सकती है, आप उसको एनहेंस कर सकते हो, दीज आर ऑल इन अवर हैंड्स। सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को चेक कीजिए। हमारे पास टाइम कम बचा है इसलिए मैं आपको इसके पूरा स्लाइड्स पे लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक लास्ट चीज बताता हूँ जाने से पहले, सो दैट यू नो व्हेन वी डिपार्ट इन अ गुड मूड। सो अब देखिए, हमने इंडिविजुअल की बात की और क्योंकि हम टीम की बात कर रहे थे तो ये देखते हैं टीम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की बात करें। इफ यू नीड टू विन बिग बिग पीपल वी नीड टू सी देम। सो ये टीम लीडर्स के लिए खासतौर पर ये है, आपको अपने लोगों को देखना पड़ेगा एज अ होल पर्सन, नॉट अ पार्ट पर्सन। यार ये तो अकाउंटेंट है, ये इंजीनियर है, ये पार्ट पर्सन है, होल पर्सन क्या है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ इमोशनल बीइंग, उसकी इमोशनल नीड्स हैं, इमोशनल उसके यू नो एसेट्स हैं, उसकी लाइबिलिटीज हैं, वो भी आपको देखना चाहिए एज ए टीम लीडर। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम एज ए डीपर लेवल, आपको सिर्फ ऊपर नहीं समझना है। जैसे मैंने इरेंट ट्रेड की बात की, कई बार आपको लगता है यार ये बंदा काम ही नहीं कर रहा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको वो एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो प्रोडक्टिविटी दिखा पाए। He is a perfectionist and you are a powerful nature. आप क्या करते हो, आपको काम अभी चाहिए, उसको टाइम चाहिए, तो क्या वो उनको वो चीज मिल पा रही है, क्या अपने लोगों को आप वो एनवायरमेंट दे पा रहे हो जिनमें वो बेस्ट काम कर सके। That is how to understand them better. We need to address their insecurities, resentment and approval seeking. आप जान के हैरानी होगी, इतनी insecurities आपके पीछे काम कर रही होती है जब आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। अगर उन insecurities को आपने एड्रेस नहीं किया तो आपको कभी भी बंदे से पूरा नहीं मिले। यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, ये इनसिक्योरिटी कहां से आ रही है, अगर वो समझ पाए यू आर डन। द लास्ट इज वी नीड टू नो देम एज दे आर, जैसे वो हैं उनको वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए, कुछ बनाइए मत उनको, क्योंकि अगर आपने बनाया तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा और वो आर्टिफिशियल हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं। सो दिस इज हाउ वी As leaders, we can enhance our team's morale and productivity. Okay. And now, the single word for all of us is develop leadership at all levels. चाहे वो सबसे नीचे का level क्यों ना हो, वो भी अपने department में अपनी seat के ऊपर leader है, उसको अपने काम की leadership दीजिए, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो। और start कहाँ से हो गए, ये लीडरशिप आप लीजिए। और लीडरशिप का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, जो क्रेडिट होता है वो टीम को दीजिए और जो जो लॉस होता है वो खुद बियर करने की क्षमता रखिए, सबसे बड़ा लीडर वो होता है। सो दिस इज एंड दिस इज फॉर एचआर पीपल, शायद यहां पर एचआर लोग थे हमारे पास राइट, उनके लिए। एंड मेकिंग श्योर द ह्यूमन इन ह्यूमन रिसोर्स इज प्रॉपरली फोकस्ड। सो व्हाट आई हैव सीन इज ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बेचारा ह्यूमन ही खो गया, खाली रिसोर्स रह गया।
राइट जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशन खो गया, खाली इंटेलिजेंस ही रह गया, इसीलिए ह्यूमन पे फोकस डालिए एंड व्हेन यू पुट दैट फोकस ना ना आपका सिर्फ आपका ऑफिस नहीं, आपका घर, आपका फ्रेंडशिप, आपका पर्सनल लाइफ विल बी स्मूथ, विल बी बेटर. सो माय लास्ट मैसेज टू यू ऑल बिफोर आई लीव एंड गिव इट बैक टू रोनिना, लेट्स विन बिग बिग पीपल, चाहे वो हमारे ऑफिस के लोग हों, चाहे घर के लोग हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों. And nurture the most important asset of an organization, that is our people. And for this, I wish you all to have a blessed time ahead and all the very best. And agar khuda ne chaha to aapse jaldi dobara mulaqat hogi. Thank you so much. So I'm giving it back to Runina and I'm open for any questions you have for next 5-7 minutes. Please take over, Runina. Thank you so much, my sir, for giving your valuable time to time for this workshop, and and thank you for the all the participations. And I request, as Master has already said to you, that if you have any questions, please put on a chat box or you can unmute your audios and ask him the thing you want to ask to my sir. Yes, I am here. Thank you, sir. Yes, Lukesh, please. क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट टीम ले दीजिए, और डेबिट जो लीडरशिप ले तो लेना पड़ता है ना, इसमें सर और कुछ जो था बोल जाएगा तो अच्छा बोल जाएगा. दोबारा दोबारा बताइए लुकेश, दोबारा बताइए. ये क्रेडिट जो टीम ले देना पड़ता है ना सर, और डेबिट लीडरशिप ले स्वयं लेना पड़ता है ना, इसमें और कुछ एक दो मिनट टाइम सर. अच्छा सर जी, हाजिर कन्फ्रेंस. देखिए, लीडरशिप का बहुत इम्पैक्टफुल वर्जन जो है ना, एपीजे अब्दुल कलाम का एक वीडियो है, मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, उसको देख सकते हैं आप. जब पीएसएलवी जो हमारा रॉकेट था, वो रॉकेट फेल हो गया था, तो उस समय की घटना है. वहां से उनका एक बहुत बड़ा वाक्य सामने आया था. जब वो रॉकेट फेल हो गया, तो जो उनके जो हेड थे इसरो के, उन्होंने कहा सारी जिम्मेदारी रॉकेट फेल की उन्होंने अपने ऊपर ले ली, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे. राइट. लेकिन जब वो अगले साल रॉकेट सक्सेसफुल हुआ, तो उन्होंने सारा क्रेडिट अब्दुल कलाम को दे दिया और खुद पीछे हो गए. तो अब्दुल कलाम ने ये बोला था इसके अंदर कि एक्चुअल लीडरशिप इज जब आपकी टीम जीत रही हो या जीत गई हो, तो पूरा क्रेडिट उन्हें दे दे, और अगर आपकी टीम हार गई हो, तो आप सामने खड़े. इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए, चाहे वो एमएस धोनी हो, चाहे वो हमारे प्रेजेंट कैप्टन हो, वो जब टीम हारती है कोई पल्ला नहीं झाड़ता है, उनको बोलना पड़ता है सामने, और वो कहते हैं यस अवर टीम. सो अगर कोई कैप्टन ये बोलता हमारी टीम ने अच्छी तरह प्ले नहीं किया, ये किया, तो लोग उसको बड़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं. बट सही कैप्टन क्या करते हैं, दे से ये टीम वर्क था, हम जीत गए. हार के टाइम पर वो क्या बोलते हैं, आज दिन अच्छा नहीं था, हम अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन हम फिर ट्राई करेंगे, दिस आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जब भी कोई हारे आपकी टीम में, या आपकी टीम हार जाती है, तो आपको तैयार रहना चाहिए ब्लेम नहीं कि इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, बिकॉज टीम है वो, उस टीम के आप लीडर हो. अगर टीम फेल हुई, तो वो आप फेल हुए हो, सक्सीड हुई तो टीम सक्सीड हुई. ये प्रिंसिपल अगर आपने लाइफ में रखा ना, जिसके साथ भी आप काम करोगे, उसको आपके साथ काम करने का मजा आता है, वो बार बार आपके साथ काम करना चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लीडरशिप. जैसे टीम मेंबर जब बात करता हूँ, तो जब टास्क पर कोई काम करते वही नहीं होता. इन द सेम टाइम सिक्योरिटी गार्ड इज ऑल्सो टीम मेंबर. जो आप नीचे एक प्यून आता है आपको चाय लेके, वो भी एक टीम मेंबर है. राइट. तो डे टू डे बेसिस में आपको कैसे बिहेव करते हैं, लाइक एक दिन आपने उससे हाथ मिला लिया, हंस लिया, वो नहीं हुआ. अगर यही कंटिन्यूसली 2 years, 3 years, 4 years होता है, तो वो वहां से शुरू होता है, तो वो हर टीम मेंबर में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है. देन they are ready to give their sweat, their blood, everything for your company and all. This is my perspective, just I have shared. Absolutely. क्योंकि आपका टीम जो है ना, वो टीम का मतलब बंदे नहीं होते, टीम का मतलब उसमें जो लोग हैं, वो लोगों का ऊपर नीचे वो
ओहदा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान है आपके टीम में, चाहे एक वो जेनिटर है, चाहे एक इंजीनियर है, चाहे एक कंप्यूटर प्रोफेशनल है, चाहे एक मैनेजर है, चाहे एक क्लर्क है, सारे वो टीम के मेंबर है। कभी भी आपने देखा किसी भी टीम के अंदर सब लोगों की जरूरत होती है। आज मोदी इंडिया, इंडिया को मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक टीम चला रहे, लेकिन वो क्या, अगर वो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं तो इज दैट राइट? द टीम इज देयर राइट, हमेशा टीम काम करती है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको टीम को सौंप देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप तैयार हो जाओ। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप फाइनल अथॉरिटी थे तो आपको फेस करना ही पड़ता है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द मोटो इज। एंड एट दैट कविंद्र ने बोला बहुत लंबा टॉपिक है, यस, और इसके अंदर वो सब प्रिंसिपल आते हैं जिसमें इमोशनल एक्सीलेंस आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, इनहेरेंट बिहेवियर आता है, सब कुछ आता है इसके। बट द बेस्ट पार्ट इज द बेस्ट टीम लीडर इज द पर्सन हु गिव्स क्रेडिट टू हिज टीम व्हेन दे विन एंड टेक द ब्लेम ऑन हिम व्हेन टीम लूजेस। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थिंग। नॉट कि दुनिया के सामने आप कुछ बोल रहे हो, अपनी टीम में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब दुनिया के सामने जाते हो तो आप टीम लीडर की तरफ जाते हो। यू हैव टू फेस दैट, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग राइट। यस लोकेश, मैंने आंसर किया आपकी बात। Yeah, and thank you, Dr. Kabindu, for your interaction. Anybody else? Any question still? My pleasure, sir. Thank you so much. Thank you. Any other question from your side? Anything? It was a very interactive session. I'm very, really happy to be here. Are you on LinkedIn or not? Yeah, I'm everywhere. Okay. Yeah. So so I think so that's it from like participation side. There I don't think so there is more questions from their side. So shall we end the sessions for today, sir? What? Yes, as you wish. So thank you so much from my side. Thank you, Runa, for organizing this thing. Thank you, GLA, and thank you all the participants for participating so actively. Thank you so much. Thank you so much. Yes, and happy Dasai to everyone. Thank you. Bye-bye. Bye. My celebrating happy Navratri. Happy Navratri to you. Happy Dasara.